अखंड दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। प्रयास की है मतलब वो की जाने चाहते क्या कहीं प्रयास। 14 दिन बीत गए लेकिन सत्यम अपने घर नहीं पहुंचा। जिस आंगन में मासूम की किलकारी गूंजती थी वहां माताओं का करुण क्रंदन गूंज रहा है। माताओं की गोद सूनी है, वे छाती पीट रही, रो रही, बिलख रही। बहुत मुश्किल से उनका दिन बीत रहा है। सत्यम की तलाश कर रही पुलिस का दावा है कि वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। इसी कड़ी में 19 सितंबर को सत्यम की तलाश करती हुई पुलिस उसके ननिहाल पहुंच गई। पुलिस ने सत्यम की नानी से मुलाकात किया, उससे यह जानने की कोशिश किया कि कहीं ननिहाल के किसी दुश्मनी के कारण तो कहीं सत्यम चोरी नहीं हुआ। पुलिस की छानबीन अभी परिवार के दुश्मनों के इर्द गिर्द मंडरा रही है। सत्यम के परिवार से ननिहाल तक के दुश्मनों की सूची पुलिस तैयार कर रही है, लेकिन नानी ने भी किसी ऐसी रंजिश होने से इनकार कर दिया। एक ही सवाल को लेकर पुलिस 4 बार ननिहाल जा चुकी है लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सत्यम चोरी मामले में पुलिस की जांच पारिवारिक रंजिश के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पुलिस को आशंका है कि सत्यम की चोरी परिवार के या अन्य किसी नात रिश्तेदार से जुड़े रंजिश रखने वाले व्यक्ति ने ही किया है। फिलहाल अन्य पहलुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि मासूम सत्यम की चोरी फिरौती के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि फिरौती देने की स्थिति में परिवार व ननिहाल के लोग नहीं हैं। इस तरह के मासूम बच्चों की चोरी होने का दूसरा कारण होता है कि निःसंतान दंपतियों को बेचने के लिए ऐसे बच्चे चोरी किए जाते हैं। पुलिस इन पहलुओं पर भी जांच कर रही है और कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस का दावा है कि सत्यम सुरक्षित है, उसके साथ कोई अनहोनी नहीं हुई है। यद्यपि ऐसा पुलिस क्यों कह रही है यह बात समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है कि पुलिस ऐसा दावा परिवार को सांत्वना देने के लिए कर रही हो, लेकिन पुलिस का यह दावा निराधार है, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। जौनपुर मुगरा बादशाहपुर लौह पंडित कापूरा गांव निवासी राहुल पांडे का बेटा 5-6 सितंबर की रात चोरी हुआ था। तब से आज तक पुलिस की 3 टीमें उसकी तलाश कर रही हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। देश प्रदेश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।